फिर शुरू से। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 5th क्वालिटी ऑफ 7th क्लास इंग्लिश। चैप्टर 5 क्वालिटी। क्वालिटी मिस्टर गैसलर की स्टोरी है। मिस्टर गैसलर एक शू मेकर है। तो राइटर क्या कहता है, राइटर उस मिस्टर गैसलर के बारे में लिखता है, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उसे अपने बचपन के दिनों से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाया करता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। वह उस अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहता था जो कि लंदन के फैशनेबल पार्ट में एक पतली सी गली में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उस दुकान की कोई विशेष, कोई अलग से कोई पहचान नहीं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। उस दुकान की सिर्फ उस दुकान के ऊपर गैसलर ब्रदर्स के नाम का जो बोर्ड लगा था, बस वही उसकी पहचान थी। और उसकी खिड़की में कुछ थोड़े से ही जूते पड़े हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो केवल सिर्फ उसको जो ऑर्डर मिलता था, ऑर्डर के ही वो जूते बनाया करता था, और जो जूते वो बनाता था वो हमेशा सबको फिट ही आते थे। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। तो राइटर कहता है कि उसके बनाए हुए जूते हमेशा से ही एक राज बन के रह जाते थे, मिस्टीरियस और वंडरफुल होते थे, क्योंकि जिसके भी वो जूते बनाता था वो उसे फिट आ जाते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। इज नॉट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। मुझे अपनी जो बचपन में मैं उससे बात किया करता था, कहता है कि मुझे वो अच्छे से याद है। एक दिन मैं अपने छोटे से पैरों को उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ा रहा था और मैंने पूछ लिया, मिस्टर गैसलर क्या ये तुम्हारा काम मुश्किल नहीं है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। तो अपनी उसकी देखो बियर्ड कैसी थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, रेडनेस लाल दाढ़ी। तो अपनी लाल दाढ़ी के पीछे से मुस्कुराते हुए उसने आंसर दिया, स्माइल करते हुए आंसर दिया, इट इज़ एन आर्ट, कि ये तो एक आर्ट है, कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। उसकी दुकान पर कहते हैं बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि उसके बनाए हुए जो बूट थे टेरिबल लास्टेड टेरिबली, बहुत लंबे टाइम तक वो चल जाते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, क्योंकि उसमें कोई टेम्परेरी सा चमड़ा लेदर वगैरह नहीं लगता था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो लेदर लगाता था। बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और उसके उन बूटों की जो क्वालिटी थी वो अलग ही दिखाई देती थी। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। कोई भी व्यक्ति उस दुकान पर दूसरी दुकान की तरह नहीं बल्कि बड़ी ही आराम से उसकी दुकान में ऐसे एंटर करता था जैसे कोई चर्च में एंटर करता हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और सिर्फ एक सिंगल वुडन चेयर, सिंगल एक लकड़ी की कुर्सी वहाँ पर होती थी जिस पर कोई बैठकर वेट किया करता था। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। गटरल भारी से गले से उसकी आवाज़ आती हुई और टिप टैप मतलब चप्पलों की आवाज़ करता हुआ सामने आकर वो खड़ा हो जाता था और पूछता बिना कोट पहने, विदाउट कोट, अ लिटल बेंट थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन लेदर का चमड़े का एप्रन पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक अपनी कोट की स्लीव्स को मोड़े हुए, ब्लिंकिंग पलकें झपकाता हुआ, एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, मानो वो बूट के ही किसी सपने से जाकर आया हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं उनसे पूछता मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के जूते बना दोगे।
without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. बिना कोई वर्ड बोले, without a word, बिना एक वर्ड बोले वो वहाँ से चला गया, दुकान के दूसरे पार्ट में चला जाता है, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ उसकी दुकान में जो लेदर की स्मेल आ रही थी उसे मैं सूंघ रहा था. सून ही वुड कम बैक, और जल्द ही वो वापस आता है, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ में गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर का टुकड़ा लेकर वो वापस आता है, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. अपनी आँखें उसी लेदर के टुकड़े पर जमाए हुए वो कहता है, देखो कितना सुंदर लेदर का पीस है. When I too had admired it, he would speak again. जब मैंने भी उस लेदर की बहुत तारीफ की तो फिर वो दोबारा बोला, When do you want them? देखो वो थोड़ा सा अलग सी लैंग्वेज बोलता है, तो इसमें When do you want them लिखा है, जिसका मीनिंग है When do you want them, कि आपको ये जूते कब चाहिए. And I would answer, तब मैंने उसे आंसर दिया, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, कि जितनी आसानी से तुम बना सको तब मुझे दे देना. एंड ही वुड से टुमारो फोर्ड नाइट, फोर्ड नाइट मीन्स फोर्ट नाइट, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया कि कल से 15 दिन का टाइम, फोर्ट नाइट 2 हफ्ते का यानी कि 14 दिन का टाइम, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और फिर अगर मैं उसका बड़ा भाई होता तो कहता मैं अपने भाई से पूछूंगा. देन आई वुड रिमेंबर, देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और बीच में धीमी सी आवाज़ में बोलता हुआ उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर. गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी उसके हाथों में वही लेदर का टुकड़ा है जिसे वो देख रहा है. एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर मुड़ा मुझे दोबारा से उसके पैरों की टिप टैप, जो उसकी चप्पल की आवाज़ थी, क्योंकि उसका जो फर्श था वुडन था, लकड़ी का था, सीढ़ियों पर जाते हुए मुझे फिर से उसके पैरों की टिप टैप सुनाई दी. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कहता मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सका जब मैंने बोला, मिस्टर गैसलर आपका बनाया हुआ पिछली बार वाला जो जूता है वो क्रैक्ड मीन्स चूचू की आवाज़ करता था. ही लुकड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड नॉट हैव ग्रीक्ड. अब वो मुझे देख रहा था कुछ देर बिना कोई जवाब दिए, वो मेरी ओर देखता रहा मानो वो मुझसे ये चाह रहा हो कि मैंने जो बात कही है मैं उस बात को वापस ले लूँ. और फिर उसने बोला कि उसे आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए थी, मीन्स वो उन जूतों की बात कर रहा था कि उन जूतों से आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए थी. इट डिड आई एम अफ्रेड, तो राइटर ने बोला नहीं उसमें से आती है आवाज़, मैं भी डर गया था. यू गॉट देम वेड बिफोर दे फाउंड देम सेल्स, तो कहता है कि आपने शायद उन्हें ठीक से चिपकने से पहले ही गीला कर दिया होगा. आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता. एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग द मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, तो इतना कहते ही उसने अपनी आँखें नीचे झुका ली मानो वो उन बूटों को याद कर रहा हो, और फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया. आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, सेंड देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम, तो उसने क्या बोला, गैसलर कहता है उन्हें मेरे पास भेज दो, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा. जम बूट्स ही कॉन्टिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्ड, तो उसने बोला कि कुछ बूट
वो धीरे से बोलता है, आर बैड फ्रॉम बर्ड, बर्ड का मीनिंग यहाँ पर बर्थ है, बर्थ मीन्स शुरू से ही कुछ जूते खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो गैसलर कहता है, अगर मैं उन जूतों को ठीक नहीं कर सका तो मैं आपको आपके पैसे आपके बिल में एडजस्ट कर दूंगा, कम कर दूंगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। एक बार मैं बिना सोचे उसकी दुकान में ऐसे जूते पहनकर चला गया जिन्हें मैंने किसी बड़ी दुकान से बड़ी ही जल्दबाजी में खरीदा था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। उसने मेरा ऑर्डर लिए बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए और मेरे पैरों के घटिया से जूतों पर उसकी नज़र टिकी रही। आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। इन्फीरियर कवरिंग मीन्स जो मैंने घटिया जूते पहने थे किसी बड़ी दुकान के, उसकी नज़रें उसी पर टिकी थी। एट लास्ट ही सेड डोज आर नॉट माई बूट्स। तो अब लास्ट में वो बोला कि ये जूते तो मेरे बनाए हुए नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉर एवन ऑफ कंटेम्प्ट। उसकी आवाज़ में ना तो गुस्सा था ना दुख था, पर बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। पर उसमें कुछ ऐसी शांति थी जिससे मेरा ब्लड जम गया। ही पुट्स हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल। उसने अपना हाथ नीचे किया और जूते के ऊपर एक जगह अपनी उंगली से दबाया जहाँ वह बाएं पैर का जूता कंफर्टेबल नहीं था, जबकि ये उसके बनाए हुए जूते नहीं थे। पर देखो, उसको फिर भी पता चल गया, सिर्फ सामने वाले को पहना हुआ देखकर ही उसे पता चल गया कि ये वाला शूज़ यहाँ से कंफर्टेबल नहीं है। इट अर्ड्स यू डियर ही सेड डोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कहता है इट अर्ड यू देयर, अर्ड मीन्स हर्ट और डेयर मीन्स देयर। तो उसने क्या कहा, उसने कहा यहाँ पर ये जूता आपको थोड़ा सा दुखता होगा। अब डोज बिग वर्म्स, वर्म्स का मीनिंग फर्म से है कि डोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं इन दुकानों में, इन बड़ी बड़ी फर्म्स फैक्ट्रीज में, कि इन लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और मुझे मानो उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कुछ टूट गया हो। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। तो अब वो काफ़ी देर तक उन बड़ी फर्म्स के बारे में बोलता रहा, तो इस बार मुझे उसके धंधे की, उसके बिजनेस की कंडीशन और हार्डशिप्स मीन्स जो मुसीबतें जो कठिनाइयां उसको आ रही थी, पहली बार उसे उसकी कठिनाइयों के बारे में बोलते हुए सुना। डे गेट इड ऑल ही सेड डे गेट इड बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क। तो उसने क्या कहा उन फर्म्स के बारे में कि उन फर्मों को कस्टमर तो मिल जाते हैं, और वो बोला कि कस्टमर भी कैसे मिलते हैं, दे गेट इट बाय ओनली एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, कि उन्हें अपने काम की वजह से कस्टमर नहीं मिलते, बल्कि जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं ऐड देते हैं उसकी वजह से उन्हें अपने कस्टमर मिलते हैं। दे गेट इट अवे फ्रॉम अस, वो हमारे कस्टमर हमसे छीन लेते हैं, हु लोफ आवर बूट्स, हम तो अपने बूटों से प्यार करते हैं। इट गोम्स टू डिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, पर कहता है कि हम तो अपने जूतों से प्यार करते हैं पर आजकल मेरे पास कोई काम या कोई ऑर्डर नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी, तो वो कहता है कि हर साल मेरा काम कम होता जा रहा है, पहले से कम होता जा रहा है, यू विल सी, आप भी देख लोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस
आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। और उसके उस लाइंड फेस, लाइंड मीन्स रिंकल्ड, झुर्रियों वाला जो उसका चेहरा है, मैंने भी देखा जिसे मैंने पहले कभी भी नोटिस नहीं किया। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और वो कड़वी चीज़ें, बिटर थिंग्स, कड़वी चीज़ें या उस कठोर संघर्ष को, उसके स्ट्रगल को और उसकी लाल दाढ़ी में से अचानक ढेर से सफ़ेद बाल आ गए थे। As best I could, I exclaimed the circumstances of those ill-omened boots. मैंने उस अपशकुन वाले बूटों के बारे में बताया। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, पर उसके चेहरे ने कुछ ऐसा असर डाला कि अगले कुछ मिनटों में मैंने उसे बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दे दिए। आई ordered many pairs. They lasted longer than ever. और ये बूट पहले की बजाय, पहले की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। And I was not able to go to him for nearly 2 years. और फिर मुझे 2 साल तक उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। It was many months before my next visit to his shop. कई महीने पहले मैं उसकी दुकान पर गया। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. इस बार मुझे उसका बड़ा भाई लगा कि उसका बड़ा भाई एक लेदर के टुकड़े को हाथ में लेकर काम कर रहा था। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? तो मैंने कहा, मैंने बोला, Mr. Gessler, आप कैसे हैं? He came close and peered at me. वो मेरे पास आया और मुझे ध्यान से देखने लगा। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is डेड। उसने बोला, मैं तो ठीक हूँ, बड़ी ही धीमी सी आवाज़ में वो बोला, पर मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, मेरे बड़ा भाई मर चुका है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वॉर्न। पर मैंने देखा कि वो सचमुच वह वही छोटा भाई था, पर अब वो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर। Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." पर मैंने पहले कभी उसके मुंह से उसके भाई की बात नहीं सुनी थी। मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैं murmured, मुंह में ही बोला, "Oh, I am sorry." Yes, he answered, "He was a good man. He made a good boot." तो उसने आंसर दिया, हाँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। But he is dead. पर अब वो मर चुका है। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose. और तब उसने अपने सिर पर हाथ फेरा जहाँ पर उसके सिर के बाल बहुत ही कम रह गए थे, मानो यह उस बेचारे बड़े भाई के मौत का कारण बता रहा हो। Do you want any boots? क्या आपको कुछ बूट बनवाने हैं? एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। और उसने अपने हाथ में लिए चमड़े के बारे में बताया कि ये बहुत ही अच्छा पीस है। आई ordered सेवरल pairs. इट was वेरी लॉन्ग बिफोर they came, बट देवर बेटर देन एवर। मैंने कई जोड़े जूतों के ऑर्डर दे दिए। उनके बनकर आने में बहुत टाइम लग गया, पर वो पहले की बजाय और भी ज़्यादा बेहतर थे, बेटर थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। कोई भी इंसान, कोई भी उन्हें पहन सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। उन्हें पहनकर बेकार नहीं कह सकता था। और फिर मैं अब्रोड चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। और 1 साल बाद मैं लंदन लौट कर आया। और एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और मैं जिस पहली दुकान पर गया वो मेरे पुराने फ्रेंड की दुकान थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैं वहाँ पर 60 साल के आदमी को छोड़ कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। और जब मैं वापस आया तो मैंने 75 ईयर्स ओल्ड आदमी को पाया, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me.
और जब मैं लौट कर आया तो मैंने 75 साल के एक इंसान को देखा जो बहुत ही दुबला पतला और बूढ़ा लग रहा था, और पहले तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड। उसने कहा, क्या आपको बूट बनवाने हैं? आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक टाइम। उसने कहा, मैं उन्हें जल्दी ही बना दूंगा, आजकल हमारे पास काम बहुत ही कम है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो मैंने आंसर दिया, हाँ हाँ प्लीज़, मैं हर तरह के बूट बनवाना चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। मैं तो उन बूटों को भूल ही गया था जबकि एक शाम वो आ गए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने उन्हें पहनकर देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। उनकी फिटनेस में, उसकी क्वालिटी में, उसकी फिनिशिंग में, वो हर चीज़ में बहुत ही बेस्ट थे, और इतने अच्छे कि जितने ऐसे उसने पहले कभी नहीं बनाए थे। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं सीढ़ी से नीचे भाग कर गया, एक चेक बनाया और खुद अपने हाथ से उसे डाक में डालने गया, मीन्स उस चेक को मैं पोस्ट करने गया खुद ही। A week later, passing the little street, एक हफ्ते के बाद जब मैं उस छोटी सी गली से गुजर रहा था, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर गैसलर को बताऊं कि तुम्हारे बनाए हुए नए जूते तो बहुत ही अच्छे हैं। But when I came to where his shop had been, his name was gone. पर जब मैं उसकी दुकान पर पहुंचा, तो वहां से उसका नाम हट चुका था। I went in very much disturbed. तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। In the shop there was a young man with an English face. और उसकी दुकान पर एक यंग मैन बैठा था, एक अंग्रेज बैठा हुआ था। Mr. Gessler in? I said. मैंने कहा, क्या Mr. Gessler अंदर हैं? No, sir. He said. उसने कहा, नहीं। No, but we can attend to anything with pleasure. पर हम आपका काम खुशी खुशी कर देंगे। We have taken the shop over. हमने ये दुकान खरीद ली है। Yes, yes, I said, Mr. Gessler. हाँ हाँ ठीक है, पर मैं बोला, मैं पूछ रहा था मिस्टर गैसलर के बारे में। Oh, he answered. तो उसने बताया, Oh, dead, कि वो तो मर चुके हैं। Dead, but I only received these boots from him last Wednesday week. पर मैं हैरान हो गया और मैंने हैरान होकर कहा कि वो मर चुके हैं, पर पिछले हफ्ते ही तो, पिछले बुधवार को ही तो मैंने उनसे ये जूते लिए थे। Ah, he said, Poor old man starved himself. तो उसने बताया कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी तो उसने खुद को, अपने आप को भूख से ही मार लिया। Slow starvation, the doctor called it. तो डॉक्टर ने बताया कि वो स्लो स्टारवेशन से मरा है, मीन्स डाइड ऑफ हंगर, भूखे रहने की वजह से वो मरा है, ऐसा उसके डॉक्टर ने बताया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो किस तरह से काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। दुकान खोले रखता था वो, उस अपने बूटों पर अपने अलावा किसी दूसरे का हाथ नहीं लगने देता था। When he got an order, it took him such a time. और जब उसे कोई ऑर्डर मिलता था तो वो उसके लिए टाइम लेता था। People won't wait. तो लोग इतना वेट, इतने इंतज़ार नहीं कर सकते। He lost everybody. तो इस तरह से धीरे धीरे उसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। And there he had sat going on and gone. तो वो यहाँ पर सारा दिन बैठा ही रहता था। I will say that for him, not a man in London made a better boot. और मैं आज भी उसके बारे में यही कहूँगा कि पूरे लंदन में उससे बढ़िया, उससे अच्छे जूते कोई नहीं बना सकता। But look at the competition, he never advertised. पर आज के इस दौर में, आज के टाइम में कंपटीशन को देखो, उसने कभी भी अपने जूतों का कोई ऐड नहीं दिया था, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की थी। Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? तो वह हमेशा एक अच्छा लेदर यूज़ किया करता था और सारा काम भी खुद ही करता था, तो उसी का ये रिज़ल्ट हुआ। अब आप अपने विचारों के साथ और क्या सोच सकते हैं।
बट स्टारवेशन, बस भुखमरी। दैट मे बी अ बिट फ्लोरी एज द सेइंग इज। यहाँ ये बात कहना बहुत ही आवश्यक होगा, पर मैं खुद जानता हूँ। बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू। पर मैं खुद जानता हूँ कि वो अपने बूट बनाने में दिन रात लगा रहता था। मैंने तो उसे अंतिम दिन तक, उसके लास्ट दिन तक काम करते हुए देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट। सारा दिन वो कुछ भी खाता नहीं था। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस। उसके घर में कुछ भी नहीं था, ना तो वो खाने के लिए टाइम निकाल पाता और ना ही घर के लिए एक पैसा भी बचा पाता। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। जो भी कुछ वो कमाता वो सब या तो किराए में या फिर लेदर खरीदने में ही खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। तो इतने दिन वो किस तरह से जिंदा रह गया मैं भी नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। उसके चूल्हे की आग भी अक्सर बुझ जाती थी। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। वो एक अजीब सा अनोखा सा ही आदमी था, पर वो जूते बहुत ही अच्छे बनाता था। यस आई सेड, हाँ मैंने भी यही कहा। ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो जूते बहुत अच्छे बनाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।